तो यार कुछ इस प्रकार का वीडियो को एडिट करना, वो भी इंस्टाग्राम का यूज करके, हम लोग कुछ इस तरह के फोटो को कुछ इस तरह के वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डबल फोटो वाली वीडियोस होती हैं, मतलब डबल फोटो से हम लोग उसको वीडियो में कन्वर्ट कैसे करना है, तो बिना किसी देरी के तो आ जाना है आपको अपने होम स्क्रीन पे। तो जैसा आप लोग को पता है कि ये वीडियो जैसे हम लोग एडिट करने वाले इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं तो सारे लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बहुत ही कमी लोग होंगे जो इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम भी आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, सीधा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को हम ऐसे कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपका स्टोरी होगा, यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। तो प्लस वाले आपको सिंपली क्लिक करना है। तो ये जो फोटो हम चूज़ करने वाले हैं, तो इस टाइप का फोटो जैसे आप अपना फोटो यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं एक वॉलपेपर टाइप का फोटो यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा एडिट किया कैसे जाता है, ठीक है। तो इस फोटो को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे साइज़ के हिसाब से, जितना आपको रखना है तो हम इतना रखना है, तो इतना मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, आपको सॉन्ग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर म्यूज़िक वाला, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई सा भी एक गाना को सेलेक्ट कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सॉन्ग आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको अपने वीडियो में लगाना है, वो गाना आप यहाँ पे इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे में पहला ही वाला जो गाना आ गया, तो मैं इसको सिंपली चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाना आपको सुनाई दे रहा होगा, ये वाला मैं चूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे देखिए डन का ऑप्शन एक को दिखने को मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसको आपको थोड़ा सा ऐसे छोटा करके आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। जिसमें मतलब ये मतलब सॉन्ग भी अप्लाई हो जाए और हमारे स्क्रीन पर दिखे ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद आपको इसका नेक्स्ट स्टेप जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मैं एरो से देखो दिखा दे रहा हूँ, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आपको थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है। तो जैसे नीचे आओगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये जो ऐड फोटो करते हैं, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आपको वही वाला फ़ोटो फिर से चूज़ करना है। तो यहाँ से देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा कोई सा भी एक शेप को चूज़ कर सकते हो अपने फ़ोटो के हिसाब से, जो भी आपको रखना होगा। तो इसमें अभी हम लोग ये वाला शेप को चूज़ करने वाले हैं, तो इसको आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको जूम वगैरह कर लेना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको परफेक्ट पड़े आप कर सकते हो, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि किया कैसे जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर देखने को मिलेगा यहाँ पे इफ़ेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इफेक्ट वाले पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपको थोड़ा स्लाइड करना है। बाकी अगर आप में नहीं है तो आप नाम पढ़ लेना, तो ये वाला इफेक्ट आपको लगा लेना है। देखो नीचे नाम लिखा हुआ है फ्लिकर फ्लैशिंग वीड, ठीक है। तो आप इफेक्ट में जाके यहाँ पे इसको अगर सर्च करोगे तो ये वाला इफेक्ट आ जाने वाला है आपके सामने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये इफेक्ट लगाने के बाद ऊपर आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ तक हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको अगर आपको गैलरी में सेव करना है, तो अगर आपको नहीं पता गैलरी में इसको सेव कैसे करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे देखो थ्री डॉट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में थ्री डॉट, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेव वाले ऑप्शन पर जैसे कि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग पे टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा पेशेंस रखना। मतलब एकदम इंस्टेंट आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका नेटवर्क है, ठीक है। तो जैसा भी आपका नेटवर्क रहेगा, इसके बाद ये वीडियो सेव हो जाएगा, हमारे वीडियो गैलरी में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप छोटा मोटा जो भी आप VN से एडिट करना चाहते हो या कैपकट से नॉर्मली छोटा मोटा एडिट कर सकते हो, बाकी लिरिक्स वगैरह लगाना जैसा भी। उसके बाद इसको ईजिली आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं भी अपलोड करके अच्छे खासे लाइक और वो गेन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट दे देना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक के लिए यार गाइज़ बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।